साल 2009 में इमेजिन टीवी पर एक शो आया करता था बंदनी। रोनित रॉय और एक्ट्रेस आसिया काजी स्टारर ये शो गुजराती बैकड्रॉप पर बेस्ड था। एक उच्च वर्ग के जमींदार और एक गरीब लड़की की कहानी को इस शो में बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया था। इस शो को उस वक्त लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन अब यही शो एक बार फिर से लौट रहा है अपने नए सीजन और नए स्टार कास्ट के साथ। जी हाँ, खबरें हैं कि एकता कपूर की टीम एक बार फिर से अपने इस हिट शो को पर्दे पर लाने की प्लानिंग कर रही है। सोर्स के मुताबिक एकता कपूर की टीम फिलहाल एक नए टीवी शो पर काम कर रही है, जिसकी कहानी 2009 के इसी आइकॉनिक शो बंदनी की तर्ज पर ही होगी। खबरें तो यहाँ तक है कि शो दिल से दिल तक फेम एक्टर मोहम्मद इकबाल खान को शो में मेन लीड के लिए चुना गया है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया को शो के एक सोर्स ने बताया है कि एक्टर इकबाल ने शो के लिए लुक टेस्ट भी दिया है और मेकर्स उन्हें मेन लीड प्ले करने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इकबाल शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। सोर्स ने बताया कि चीजें जल्द ही निपटा ली जाएंगी और शो पर काम जल्द ही शुरू भी किया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इकबाल शो में एक 40 साल की व्यक्ति का रोल प्ले करते दिखाई देंगे, जिनकी शादी एक बेहद ही कम उम्र की लड़की से होगी और फिर इन दोनों की कहानी ही बंदनी शो की तरह आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि बंदनी में रोनित रॉय ने सूरत के एक बड़े जमींदार धर्मराज शक्ति सिंह माहिवंशी का किरदार निभाया था, जो अपने से बेहद ही कम उम्र की लड़की संतु यानी की आसिया काजी से शादी कर लेता है और फिर कहानी में इन दोनों के बीच के उम्र के अंतर के बावजूद कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और संतु कैसे धर्मराज और उनके बच्चों के मन में अपनी जगह बनाती है और अपने परिवार की कई मुश्किलें हल करती है, इसी की कहानी बंदनी में दिखाई गई थी। और अब एकता कपूर इसी कहानी की तर्ज पर अपना नया शो लेकर आ रही हैं। हालांकि इकबाल के अपोजिट इस शो में किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर शो की अनाउंसमेंट भी जल्द ही कर दी जाएगी। आपको बता दें कि एक्टर इकबाल टीवी के टॉप स्टार्स में से एक हैं। उन्होंने कई हिट शो में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस किया है। इकबाल अब तक कैसा ये प्यार है, कहीं तो होगा, काव्यांजलि, कर्म अपना अपना, छूना चाहूँ आसमान, बारिश, तुम्हारी पाखी, काल भैरव रहस्य जैसे कई शोज में नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इकबाल कई फिल्म्स और वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये है कि इकबाल वाकई एकता के इस शो में दिखाई भी देते हैं या फिर नहीं, और अगर वो एक बार फिर से इस हिट शो बंदनी के सीक्वल में काम करते हैं तो यकीनन उनके फैंस काफी खुश होंगे। वैसे आप एक बार फिर से बंदनी की नई कहानी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।